अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो हम लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है बिहारी बोटी, जो कि बहुत मज़ेदार बहुत शानदार बनती है। और चलते हैं इसकी प्रॉपरली रेसिपी की तरफ, बताते हैं इसको कैसे बनाते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया और पैन के अंदर हमने ये डाल देना है तेज़ पत्ता, और साथ ही हम शामिल कर देंगे बड़ी वाली काली इलायची, और साथ में इसमें शामिल कर दूंगी ये जो मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं वो मैंने इसमें डाल देनी है। और साथ ही मैंने अब इसमें शामिल कर देना है ये जितना भी मसाला है, लाइक हमने इसमें शामिल किया है बड़ी वाली लाल मिर्च, साबुत धनिया, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पर शामिल करेंगे खशखाश, हम इसमें शामिल करेंगे, और इसके अलावा ज़ीरा सफ़ेद, और सफ़ेद के अलावा हमने यहाँ पर काला ज़ीरा भी शामिल करना है। तो ये सारी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ये इसमें ऐड होंगे, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं, हमने इसको अच्छी तरह लाइट सा रोस्ट कर लेना है। देन रोस्ट करने के बाद हमने इसका क्या स्टेप करना है ये आपको बता। और यहाँ मैं कर रही हूँ सारी स्पाइसेस को अच्छी तरह रोस्ट, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका कलर आता जा रहा है। तो ये रोस्ट होने वाले हैं, देन मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी ये आपको बता। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो मसाला बनाया था उसको अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है, और अब मैंने क्या करना है इसको ग्राइंड करना है। तो मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, इसको कूल डाउन करने के बाद यहाँ मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है। ग्राइंडर के अंदर मैंने जो रोस्ट हुआ मसाला है वो मैंने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ, और देखिए मैंने सारा मसाला जो है इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी जो मैंने यहाँ पर ली थी क्रिस्पी ब्राउन अनियन ले ली थी, इसको प्याज को मैंने इसमें ऐड कर देना है ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। यहाँ मैंने मसाला जो मैंने रोस्ट किया था उसके अंदर ये जो क्रिस्पी प्याज थी वो मैंने इसमें डाल दी, और अब मैं इसको अच्छी तरह कर लूंगी ग्राइंड ताकि ये हमारा जो बिहारी बूटी मसाला है वो मज़ेदार सा और परफेक्ट सा रेडी हो जाए। यहाँ देखें, यहाँ जो मैंने बिहारी बोटी मसाला बनाया था ये बहुत ही अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है, बहुत ही मज़ेदार से इसकी खुशबू आ रही है। और यहाँ जो हमने टिक्के लिए थे इसी के अंदर हमने ये जो मसाला है वो शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ ये मसाला जो है वो शामिल कर दिया इसके अंदर। हमने यहाँ जो बिहारी बोटी मसाला बनाया है वो हमने टिक्कों के अंदर डाल दिया है, और साथ ही यहाँ पर हमने जो स्पाइसेस लिए लाइक हमने हल्दी पाउडर, इसी भी लाल मिर्च 1/4 teaspoon हमने यहाँ पर डाली थी, इलायची पाउडर, नमक, और ये जो गर्म मसाला है वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दी है ये सारी चीज़ें, और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं यहाँ पर कचरी पाउडर जो हमने लिया था, और यहाँ पर जायफल जावित्री जो हमने ले ली थी 1/4 teaspoon वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दी है, और अब हमने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने फ्रेश निकाल लिया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है, हमने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और अब हमने इसमें शामिल करना है, शामिल करेंगे 2 tablespoon यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और साथ ही अब लास्ट हम इसमें शामिल करेंगे ये दही जो हमने 1 cup ले लिया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमने जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जितने भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे उसको मैंने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। और अब हमने इसको क्या करना है, इसको ओवरनाइट हमने इसको कवर करके रख देना है फ्रिज में। और आप इसको देखिएगा ओवरनाइट के बाद अब इसको कुक करेंगे तो इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा, और ये इतने मज़ेदार बनेंगे, इतने लाजवाब बनेंगे कि आप इसको बार बार बना कर ट्राई करेंगे और खाएंगे। तो अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखने जा रही हूँ फ्रिज में। देन इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक लॉन्ग ब्रेक के बाद। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हम मैरिनेट कर लिया था ओवरनाइट के लिए, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ये बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेट हो गए हैं। लुकिंग वाइज भी आपको अच्छी तरह नजर आ रहा होगा कि हमने जो इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए थे, जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो अच्छी तरह इसमें बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह इसमें एडजस्ट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर मैंने स्टिक्स ले लिए हैं कुछ, और इसके अंदर स्टिक्स के अंदर मुझे 1 by 1 करके मैंने इसको पिरोना है, इसके अंदर हमने इसको लगाना है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टिक ले ली है, और यहाँ मैंने उठा लिए ही यहाँ पर एक बोटियाँ उठानी है, और बोटियों को उठाकर हमने इस तरह इसको पिरोना है कि हमारी जो स्टिक है वो बहुत खूबसूरत लगे, ठीक है।
हाँ देखें, और यहाँ देखें मैंने स्टिक ले ली थी, और स्टिक के अंदर मैंने ये जो बोटियाँ हैं वन बाय वन करके मैंने इसके अंदर लगानी है। तो मैं ये इसके अंदर लगा रही हूँ और इसी तरह मैं लगाऊंगी, देन मैं नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो बिहारी बोटी है वो तैयार हो रही है, और मैंने इसको स्टिक्स में लगा दिया है और अब मैं इसको कर लूँगी फ्राई। हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने शामिल कर लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, और अब मैंने इसको अच्छी तरह गरम कर लेना है। और गरम करने के बाद ये जो मैंने यहाँ पर स्टिक्स के अंदर बिहारी बोटियों को लगाया है वो मैंने इसमें ऐड करनी है, और ये जो सारी बिहारी बोटियाँ हैं वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको लाइट लाइट सा फ्राई करती जाऊँगी। यहाँ देखिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लिया है और ये जो स्टिक्स हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं जिन्हें मैंने बिहारी बोटियों को लगा दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और दोनों साइडों से हमने कुक करना है 5-5 मिनट ताकि अच्छी तरह ये कुक हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आना शुरू हो गया है। मैंने इसको मूव कर दिया है सेकंड साइड से, मैं इसको कुक कर रही हूँ 5 मिनट तक, और इसी तरह मैंने करके सारी जितने बिहारी बोटी है हमने इसको कर लेना है इसी तरह कुक। ठीक है, मैं इसी तरह करके सारी जो बिहारी बोटियों हैं इनको कर लूँगी फ्राई। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी और खूबसूरत सी और यमी सी हमारी बिहारी बोटी हो गई है कम्प्लीटली और परफेक्टली रेडी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये बनती है। यकीनन आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ही जायकेदार होती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे एज़ यूजुअल। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।